के सिलेक्ट नहीं हुए, याद करो इस दिन को। वो दिन याद करो जब तुम फेल हुए थे, वो दिन याद करो जब तुमने बैच ज्वाइन करके प्रॉमिस किया था कि सर हम करेंगे, और अब तुम कुछ महीने के बाद उन्हीं सब में फिर फंस गए। तुमसे ना रिवाइज हो रहा है ठीक से, ना तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि आगे कैसे करना, और तुम इस चीज को ना एक्सेप्ट कर रहे हो। तुम क्या करते हो, डेली का थोड़ा सा शेड्यूल फॉलो करते हो और आंख बंद करके ये सोच रहे हो कि हो सकता है टाइम बदल जाएगा। टाइम नहीं बदलेगा बेटा, टाइम नहीं बदलेगा। ये वो टाइम आ जाएगा जब आपको फिर अपने पेरेंट्स के सामने बैठना पड़ेगा और ये दिखाना बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। और इस बार पेरेंट्स नहीं बेटा, मैं भी जवाब मांगूंगा। जो एफर्ट डाल रहे ना तुम्हारे लिए, तो जवाब तो मैं भी मांगूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम ऐसे ही एक बच्चे का मेरे को ने मैसेज पढ़ा कि सर हमने आपको जो 2700 रुपये दिए हैं ना उसकी वजह से ये भी करा दो। तो 2700 रुपये दिए हैं तूने तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझे पढ़ाना है तुझे। पर तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। तूने लिया है उसको पढ़ेगा भी तो सही। अरे भाई उसकी DPP भी तो सॉल्व करेगा। कौन करेगा, मैं करूंगा उसे? करेगा ना भाई, नहीं करेगा। जो SNS PNS क्या क्या दे दिया वो सॉल्व ही नहीं करेगा। मतलब तेरी दो वे है ना, मान लो आपने कुछ पे किया, कॉन्ट्रैक्ट दो वे है, तुम्हें करना है मुझे कराना है, तो मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, तेरा पार्ट कौन करेगा भाई? ऊपर से इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजते हैं, सर आप मेरी हेल्प करिए, मैं ऐसे परिवार से हूँ। भाई इस ऐसे परिवार से तभी तो तू पढ़ रहा है बेटा, तभी तो तू चाहता है परिवार की स्थिति बदलना। और मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुझे बदलने के लिए, तू खुद चाहता है ना, तो खुद कैसे करेगा फिर? अगर अभी भी तुम नहीं सुधरे, अभी भी तुमने अपने आप को नहीं बदला, तो नहीं होगा भाई, क्लियर बता रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं बार बार कि यार मतलब बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है। ये बहुत समय सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो समय की कीमत समझते हैं, जिनको समय कम लगता है। अगर तुम्हें दिन भर में एक बार भी ऐसा लग गया ना कि यार अभी बहुत समय में कर लेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। तुम्हें दिन भर में ये लगना चाहिए टाइम कम है मुझे और करना है, तभी सिलेक्शन होगा। तुम खुद के बनाए हुए जाल में और फंसते जा रहे हो अब, और ये मैसेज मेरे पास जो आ रहे हैं ना, ये बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है। फिर वही चीज है, लेक्चर देखेंगे नहीं ठीक से, ना नोट करेंगे, ना DPP बनाएंगे ठीक से, ना SNS, ना PNS, जो भी चीजें दी जा रही हैं उनको थोड़ा थोड़ा उसको कर करके ना किसी तरह से इकट्ठा कर रहे हो तुम बेटा। ये सब जो है ना, ये जो काम नहीं इकट्ठा कर रहे हो, अपना फेलियर इकट्ठा कर, ये सच है। इससे ज्यादा कड़वा मैं बोल नहीं सकता। तुम ऐसे फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे, और फिर वो मतलब जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, अब सबको, हर उस आदमी को देना पड़ेगा जो फिर ये देख रहा होगा कि यार ये बच्चा जो है ना मेरे सामने मतलब फिर तैयारी कर रहा था। जवाब तो देना पड़ेगा ना, अब सोच। क्योंकि इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजते हो यार, हम तो दिमाग खराब हो जाता है। 10 मैसेज पढ़ लेते हैं, हमें खुद डिमोटिवेशन हो जाता है, और फिर लास्ट में लिखते हो सर प्लीज गाइड अस। भाई तेरे को बताया ना बैच फॉलो कर, अपना दिमाग क्यों लगा रहा है, सारा कुछ वैसे का वैसा कर। तू वीक है तो तेरे को ज्यादा मेहनत लगेगी, तुझे अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो उस पे ज्यादा एफर्ट डालना। अरे ज्यादा एफर्ट डालेगा तभी तो वो स्ट्रांग होगा। मैं तुझे एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपने कभी कोई ऐसा एथलीट देखा है जिसके पैर कई बार कटे होते हैं तो उसके हाथ स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एफर्ट हाथ से डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, वो हाथ पे खड़ा हो सकता है। तो तुम्हें अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग करने के लिए वहां ज्यादा एफर्ट डालोगे ना, तुम कम कर रहे हो, तुम वो टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। बार बार तुम्हें बोला अपना मिस्टेक को कैलकुलेट करने का चार्ट बना लो, टेस्ट सारे दो, कोई नहीं करता ऐसा काम, और जो करते भी हैं वो भी कच्चा पक्का। उनको ऐसा लग रहा होता है यार मैं कर रहा हूं, कोई और तो कर नहीं रहा होगा। बेटा जो कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए, तेरा नहीं होने का अगर तू नहीं कर रहा सारे काम। बेटा तुझे अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है, नहीं होगा सिलेक्शन, क्लियर बता रहा हूं नहीं होगा। इस तरह के सेशन बनाने से हमें बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन बनाएंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। अभी भी बोल रहा हूं, जिन बच्चों को लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, नंबर नहीं आ रहे, बस बाद में चीजें बदलेंगी, पढ़ाई स्टार्ट कर दो ढंग से, बैचेस फॉलो करो, आपको जो भी दिए हुए हैं उनको पढ़ लो ठीक से, इतने सारे जो आपको सामान दिया है बैच में पढ़ने के लिए उसको पढ़ लेना भाई। हर चीज पे तुझे मतलब 10 चीज होती है, ऐसे करूं वैसे करूं, तुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि कौन सी NCERT आएगी? अरे NCERT में हिस्ट्री थोड़ी आ जाएगी, तेरे पास 10 बहाने हैं ना पढ़ने के, मैं बता रहा हूं तेरे पास बेटा। तू अपने अंदर एक रीजन ला के तुझे करना है तभी होगा।
ये बहुत मुश्किल होता है, ये चीजें आसान नहीं है। ये एक दिन मोटिवेट होके तुम 16 घंटे पढ़ ले तो अगला दिन पूरा खराब। अब अगर सुनना चाहते हो कि कैसे करना है तो मैं बता देता हूं, अभी भी टाइम है, अपने शेड्यूल को ठीक कर लो। अगर लेक्चर नहीं देखे जिन चैप्टर्स के, देख लो। मानता हूं बहुत सारे बैचेस आगे चले गए हैं, कोई बात नहीं, उसका भी अरेंजमेंट हमने किया हुआ, हमने उसका भी अरेंजमेंट करके दिया है। तुमको बैचेस दिए तो एक्स्ट्रा, जिसमें वन शॉट डाल के दिया ना भाई, वो पागल भाई, मेरे को पता है मैंने कैसे रिकॉर्ड किया, टीम ने कैसे रिकॉर्ड किया, मैंने 8 घंटे सेल रिकॉर्ड किया है, 8 घंटे एक दिन में लगातार सेल रिकॉर्ड किया है, 16 घंटे से 17 घंटे स्टूडियो में था मैं उसमें। मतलब टीचर अपना काम करेगा, तुम नहीं करोगे, अब ये सोचो। तो ये तो तुम्हें मतलब हर हाल में करना पड़ेगा। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि अब भी बदलना है खुद को, नहीं बदलना। तुम्हें सारे लेक्चर देखने, अगर चैप्टर वीक है, कभी तुमने लिस्ट बनाई अपनी कि क्या वीक है, तुम्हें उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, एसएनएस पीएनएस करने हैं, तुम्हारी 100 परेशानी है, मान ले तेरे पास एक क्वेश्चन का डाउट, उसको लेके तो बैठा है, कर लियो ना, थोड़ा सा आगे चल और देख ले बाकी, तू तो एक ही को लेके बैठ गया पूरे दिन, नहीं होगी हुआ ही बेटा, ऐसे नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं इस बात को हर साल देखता हूं, तुम्हें दिन भर मतलब मोटिवेशन चाहिए इधर उधर से, और नहीं चाहिए तुम्हें कुछ, मैं रियलिटी बता रहा हूं, नहीं होता है ऐसे सिलेक्शन। तुम्हें एकदम ऐसे लगकर सिर्फ बैच फॉलो करने होते हैं, चीजें वहां दे रखी हैं तुम्हें सारी। मैं अपने बैच ये रहा हूं, जैसे भी आप पढ़ते हो आपको बैचेस में मिलता है ना सारा, प्रॉपर फॉलो करो। एक आखिरी एफर्ट हम मार रहे हैं, हमने आपके लिए, मैं बता रहा हूं, जो बच्चे इवन हमारे मतलब न्यूट्रॉन 1.2.0 में थे, एक आखिरी एफर्ट मार रहे हैं। हमने क्या किया, हमने देखो ये बार बार हमको लगता है कि यार कुछ और कर सकते हैं क्या, हमने यही काम आपके लिए किया और नहीं आपके लिए ही किया है। आपको मान लो 10 चैप्टर हमारे हो गए सारे मिला के, तो 10 चैप्टर के लगभग 80 लेक्चर हैं। अगर तू 80 लेक्चर देखने जाएगा तो तेरा बैकलॉग भी तो 80 दिन में कवर होगा, अगर तू अभी भी ज्वाइन करता है। हमने उसको वन शॉट में कन्वर्ट कर दिया, तू अभी रेडी नहीं है भाई पढ़ने के लिए। एक बच्चा लिख रहा है सर क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है, भाई बस कर, अब नहीं हो सकता। और जो वेट कर रहे हैं ना कि नहीं आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा बेटा, मैं हमेशा याद रख, टाइम अपना निकल ही रहा है। अगर तू देखेगा पहले 11 महीने थे, अब 8 बचे हैं, फिर 7 बचेंगे, 6 बचेंगे, ऐसे टाइम बचेंगे, अभी 9 बचे हैं, 7-8 ऐसे घटते जाएगा, टाइम घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो अपने दिमाग को ठीक कर लो, कोई और तुम्हारा साथ दे ना दे, हम लोग लास्ट तक तुम्हारे साथ खड़े हैं, सारी चीजें कराएंगे। मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, लास्ट तक तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई भी ऐसी चीज तुम्हारी नहीं छूटेगी जो तुम ना कर सको, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, सारा करा देंगे। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट होना है।